अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वो रिमोट द्वारा हमारे शाहदरा में स्थित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कर इस योजना की औपचारिक शुरुआत करें। माननीय गृह मंत्री व मंच पर उपस्थित अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वो हमारे युवाओं को किट प्रदान कर इस योजना का क्रियान्वयन करें। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी ममता सिसोदिया पुत्री श्री प्रेमचंद। इनके पिता एक रेस्टोरेंट में कार्यरत हैं और मासिक आय केवल 7,000 रुपये है। ममता को 2016 में बीमारी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। इस योजना के तहत वो कंप्यूटर सीखेंगी और भविष्य में रोजगार मिलने पर परिवार अपने पिता का हाथ बढ़। तहसीन गिलानी नबी करीम में रहते हैं। 2014 में पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। इनके पिता एक किसान हैं। तहसीन को पढ़ाई का काफी शौक है, ये हॉस्पिटैलिटी में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। रंजना कीर्तिनगर में रहती हैं। इनका अल्पायु में ही विवाह कर दिया गया। ये दो बच्चों की माँ हैं। इनके पति के छोड़ने पर बच्चों के लालन पोषण की जिम्मेदारी भी रंजना पर ही आ गई है। रिंकू डॉटर ऑफ लेट श्री राम लखन चूनाभट्टी की रहने वाली हैं। 2012 में पिता की मृत्यु के बाद रिंकू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज भी इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इस योजना से इन्हें भी अपने पैरों पर काफी मदद मिलेगी। 25 वर्ष के हैं। विषम आर्थिक परिस्थितियों की वजह से 5वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई ये नहीं कर पाए। ये फेरी देकर कपड़ा बेचने का काम करते हैं, परंतु अब धीरज का चयन डेटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए किया गया है। नेहा डॉटर ऑफ मोहनलाल, इनके पिता एक दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं। नेहा के घर की भी आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण ये 10वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई है। थैंक यू। अब मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उन 3 व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें जिन्होंने योजना की सफलता के लिए अपना सक्रिय योगदान दिया है। सबसे पहले श्री कृष्ण कुमार, निदेशक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इन्होंने PMKY के तहत 3,000 सीट दिल्ली पुलिस के लिए प्रतिबंधित करवाई। दिल्ली पुलिस इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती है। श्री अंकुर सिंह चौहान CII के निदेशक हैं। CII के सहयोग से न केवल 2 प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं, बल्कि CII ने दिल्ली पुलिस को यह भरोसा भी दिलवाया है कि इन सब युवाओं को रोजगार दिलवाने में भी वो पूरा सहयोग देंगे। श्री राहुल वर्मा उदय फाउंडेशन से हैं। उदय फाउंडेशन ने इस योजना को रूपरेखा देने में एक सराहनीय योगदान है। ये हमारे CSR पार्टनर भी हैं। मैं अतिथि गण से निवेदन करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो सभा को संबोधित करें।
भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राजू प्रताप जी रूड़ी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल जी बैजल, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली श्री अमूल्य, स्पेशल सीपी दिल्ली संजय बेनीवाल, श्री मनीष कुमार एमडी एनएसडीसी श्री राजेश अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप श्री राहुल चौधरी, चेयरमैन दिल्ली स्टेट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारी वर्ग एवं स्किल में इन्वॉल्व जितने हमारे सारे यहाँ प्रिय बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनमें सभी बच्चों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और दिल्ली पुलिस ने जो यह काम किया है उसकी चर्चा लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री अनिल बैजल जी ने और श्री अमिल पटनायक पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कुछ समय पहले की थी, महीने दो पहले की थी। मैंने भी कहा था कि यदि इस प्रकार का कदम दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाया जाता है तो निश्चित रूप से पुलिस के संबंध में एक जो जनसामान्य में धारणा बनी हुई है उस धारणा में सुधार होगा। लेकिन मुझे यह कल्पना नहीं थी जैसा स्वरूप आज इस विज्ञान भवन के इस सभागार में मैं देख रहा हूं, और इतना बड़ा काम दिल्ली पुलिस कर लेगी मुझे कल्पना नहीं थी। कई पुलिस स्टेशन पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का खुल जाना, बच्चों को वहां पर कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, यह कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस की अपनी तरफ से भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कदम उठाया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी में इस हिंदुस्तान की पुलिस को इसी स्वरूप में जनता देखना चाहती है। सामान्यतः कोई घटना घटित होती है तो घटना घटित होने के बाद जो पुलिस का एक्शन होता है, पुलिस का रिएक्शन होता है, उसी आधार पर पुलिस के संबंध में जनता की धारणा बनती है। वैसे जनता में चले जाइए बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि पुलिस की प्रशंसा करते होंगे। पुलिस का काम कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन हां मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने अपने में बहुत परिवर्तन इस 21वीं सदी में लाने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल भी हुई है। पीपुल फ्रेंडली, जनता के अंदर पुलिस के प्रति एक भरोसा, एक विश्वास का भाव पैदा हो सके, मैं समझता हूं किसी पुलिस की सबसे बड़ी यह उपलब्धि होती है। कोर पुलिसिंग तो होनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्राइम प्रिवेंशन होना चाहिए, अपराध रुकने चाहिए, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जनता का भी अपने ऊपर भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब पुलिस का जनता के साथ इंटरेक्शन होता रहे, सोशल इंटरेक्शन होता रहे और कम्युनिटी पुलिसिंग का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहे, यह तभी संभव है। अन्यथा पुलिस के संबंध में जो धारणा बदलनी चाहिए वह नहीं बदल पाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों का परसेप्शन धीरे धीरे अब बदल रहा है, और इसे और अधिक बदलने की आवश्यकता है। मैं अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल से मैं ज्यादा अपेक्षा रखता हूं। मैं जानता हूं उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, कठिनाइयों में उन्हें काम करना पड़ता है, कभी कभी
18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, यह सब कुछ मुझे मालूम है। फिर भी मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूं, वह धैर्य से काम लें, वह संयम से काम लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस अथवा इस पुलिस की और पुलिसिंग की प्रतिष्ठा यदि किसी के हाथ में है तो विशेष रूप से धरातल पर काम करने वाले जो हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं और हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, इनके हाथों में है। आप दिल्ली पुलिस की इमेज को बना भी सकते हैं, दिल्ली की पुलिस की इमेज को बिगाड़ भी सकते हैं। अब कम्युनिटी पुलिसिंग यानी जनता के साथ एक दोस्ताना रिश्ते, फ्रेंडली रिलेशनशिप, अब यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और साथ ही साथ एक्सेप्टेबल, प्रगतिशील और स्वीकार्य है। यह कम्युनिटी पुलिसिंग का एक स्वरूप माना जाता है सारे देश भर में। मुझे लगता है कि इस बात को हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और दिल्ली पुलिस इस दृष्टि से काम कर भी रही है, इस बात की मुझे खुशी है। और युवा प्रोजेक्ट जो आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, इसमें मैं श्री राजीव प्रताप रूड़ी और उनके मंत्रालय के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग आपके मंत्रालय का प्राप्त हुआ है, तभी दिल्ली पुलिस इस काम को कर पाई है। आप बधाई के पात्र हैं, आपका मंत्रालय भी बधाई के पात्र हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी बहुत ही काफी डायनेमिक हैं, बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, और उन्होंने अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर एक नया मंत्रालय आज उसको सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत हासिल कराने में कामयाबी हासिल की है, और नौजवानों के अंदर इस मंत्रालय के प्रति एक विश्वास भी उन्होंने पैदा किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, बड़ा काम किया है। दिल्ली के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बैठे बैठे ही मैं यह सोच रहा था, झुग्गी झोपड़ियां, उसको लेकर कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इन झुग्गी झोपड़ियों से जो निकलते हैं वह ज्यादा क्राइम्स के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है, ड्रग एडिक्शन भी ज्यादातर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के अंदर ही पैदा होता है। हमारा कहना है कि इन झोपड़ियों में भी हमारी दिल्ली पुलिस को भी आने वाले लोगों के साथ अपना इंगेजमेंट कुछ बढ़ाने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि इसके लिए समय देना पड़ेगा, पुलिस की संख्या भी सीमित है, क्राइम प्रिवेंशन की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कोर पुलिसिंग की भी उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है हमारे प्रति लोगों का परसेप्शन क्या है, हमारी जनता में इमेज क्या है, इसके लिए भी हमें कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे बेहद खुशी हुई है कि युवा प्रोजेक्ट इसके तहत लगभग 13 जिलों से लगभग 1500 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन किया है, सिलेक्शन किया है, जिन्हें कि प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। और मुझे यह जानकर खुशी हुई, जैसा राजीव प्रताप जी रूड़ी ने कहा और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बतलाया, कि इसमें लगभग 70 से लेकर 80 फीसदी बच्चों को जो स्किल ट्रेनिंग हासिल करेंगे उन्हें कोई ना कोई सेवा का अवसर प्राप्त हो जाएगा, और प्रति माह उन्हें 12,000 से लेकर 15,000 रुपए की धनराशि भी प्राप्त होगी। मैं समझता हूं कि यह अत्यधिक एक प्रसन्नता का विषय है। बच्चे जो पहला कोई अपराध जिंदगी में जाने अनजाने किसी से हो जाता है, लेकिन उन बच्चों को सही रास्ते पर लाना भी यह समाज की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस की भी बनती है, लेकिन समाज की भी यह जिम्मेदारी बनती है। और जो पहला अपराध होता है उसे क्रिमिनोलॉजी की भाषा में गेटवे क्राइम कहते हैं, लेकिन यह समाज की भी जिम्मेदारी है। यदि पहला क्राइम यदि किसी ने कर दिया तो पुलिस की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि यह कोशिश करे कि वह सही रास्ते पर वह बच्चा आ जाए। और मैं समझता हूं इसी सोच के आधार पर ही इस युवा कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस ने प्रारंभ किया है, कैसे बच्चों को हम सही रास्ते पर ला सकें।
और साथ ही साथ ये बच्चे हैं, जुवेनाइल जस्टिस की अवधारणा किया है, इसके लिए भी क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस की अवधारणा के अनुरूप दिल्ली पुलिस ने काम किया है, इसलिए भी दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है। छोटे बच्चों को सही रास्ते पर लाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, करना चाहिए। अब ये हमारे बहुत आलीशान महलों में रहने वाले जो परिवार हैं, उन परिवारों की यह बच्चे नहीं हैं, यह सारे बच्चे सामान्य परिवारों की हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भी बच्चे हैं, और इन बच्चों की चेहरे की तरफ बैठे बैठे मैं देख रहा था, और कुछ ऐसे बच्चे जो गरीब परिवारों के थे जिन्हें मैं यहां पर किट्स दे रहा था, जब वो किट्स लेने के लिए आ रहे थे तो उन बच्चों की चेहरों की तरफ भी मैं नजर डालकर पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा था। मैं बच्चों, या मैं कह सकता हूं और विश्वास के साथ, तो अपनी जिंदगी में जो भी अनुभव हासिल किया है उस आधार पर मैं कह सकता हूं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं अथवा आलिशान महलों में ही नहीं रहती हैं, बल्कि योग्यता, प्रतिभा, क्षमता झुग्गी झोपड़ियों में, गांव, गली और गलियारों में भी रहती है। और यह कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला नौजवान प्रतिभा संपन्न नहीं है, प्रतिभा में निखार लाने का उसे अवसर प्राप्त होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस ने उस दृष्टि से एक बहुत ही यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल साहब ने कहा कि यह कोशिश है दिल्ली पुलिस की एक इमेज को सुधारने की, लेकिन आपने उसे कहा हिडन एजेंडा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हिडन एजेंडा नहीं है, ये ओपन एजेंडा है। दिल्ली पुलिस की इमेज सुधारनी चाहिए, यह ओपन एजेंडा है। और पुनः लेफ्टिनेंट गवर्नर के मार्गदर्शन में श्री अनिल जी बैजल बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, और हमारे पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक भी और उनके सारे सहयोगी जिस लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उन सबको मैं पुनः बधाई देता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ, और साथ ही साथ अपने सारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।